अस्सलाम वालेकुम, नसीम राजपूत अपने यूट्यूब चैनल भोले राजपूत पर एक मरतबा फिर अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है। आपकी बातें तो आप सुन ही रहे होंगे, 90s के क्रिकेटर किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और सफाइयां भी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे हटकर बात करते हैं क्योंकि फिक्सिंग एक ऐसा लफ्ज है कि जो जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है हमारी क्रिकेट के साथ, सारी दुनिया में कोई बात नहीं करता, हम भी कोशिश करेंगे कि ना करें, बदनामी ना हो तो वही ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम अक्सर बात करते हैं हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से लोग माशी मसाइल का शिकार दिखाई दे रहे हैं, कारोबार बंद दिखाई दे रहे हैं, दुनिया एक जगह पर जैम हुई भी दिखाई दे रही है। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने खिलाड़ियों के लिए क्या किया, अपने क्रिकेटर्स के लिए क्या किया? हमने तो यही देखा कि वो पेयर बनाते हुए दिखाई दिए, कभी फास्ट बॉलर का पेयर बना रहे हैं, वो कभी स्पिनर का पेयर बना रहे हैं। लेकिन एक गरीब आदमी का घर कैसे चल रहा है रोजे के दिनों में, क्या उसके दस्तरखान पे खजूर भी अवेलेबल है या नहीं है? इस मामले में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जो एक ऐसा इदारा जो माली तौर पर बहुत ज्यादा मुस्तहकम है, उसने क्या रोल प्ले किया? वजीर आजम पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम, खुद वजीर आजम साहब जाके बैठे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर और चंदा जमा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया कि 1.25 करोड़ रुपया जमा करा दिया वजीर आजम साहब के जो अकाउंट है उसके अंदर, के भाई ठीक है एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए। लेकिन 1.25 करोड़ रुपया तो 5 आदमी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स जेब में ले जाते हैं हर महीना, 5 आदमियों की तनख्वाह हो जाती है इतनी। तो फिर उस इदारे ने क्या रोल प्ले किया जहाँ शाहिद खान आफरीदी बलूचिस्तान में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुमान रईस कभी हब में खड़े हुए, कभी बनोड़ा में खड़े हुए, कभी हैदराबाद में खड़े हुए, अजहर अली खुद बैट अपना बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादातर यही करता हुआ दिखाई दिया कि जरा एक प्लेयर तो बना के दिखाए, वसीम अकरम के साथ, वसीम अकरम अगर अपने पुराने प्लेयर में किसके साथ बनाएंगे और करंट प्लेयर में किसके साथ बनाएंगे, इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, इस पर बात करेंगे। आप मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के मायनास टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने अपने दम के ऊपर जितनी क्रिकेट खेली अपने दम के ऊपर खेली और कई सीजन में आउट किया करते थे, कई मरतबा टीम में सिलेक्ट हुए लेकिन मौका नहीं मिलता था, लेकिन झुककर नहीं खेली, हिम्मत के साथ खेली, अल्लाह ने जो उनके नसीब में क्रिकेट लिखी थी अल्लाह ने उन्हें दी। लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने अपना एक नया रूप पूरी क्रिकेट कम्युनिटी के सामने लेकर आए, और वो रूप था जहां गलती है उसको सामने लाना, जहां पे क्रिकेटर्स या मैच ऑफिशियल्स या दीगर लोगों के साथ मसाइल है उनको सामने लेकर आना, कोई और नहीं। पाकिस्तान के जबरदस्त टेस्ट क्रिकेटर सच बात करने में और खुल के बात करने में शायद इस वक्त पाकिस्तान में कोई दूसरा उनके बराबर भी दिखाई नहीं देता। तनवीर अहमद मेरे साथ, मेरे बेहतरीन दोस्त शो का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर अहमद साहब। वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? इतना लंबा तारुफ करा दिया आपने मेरा यार, जल जाएंगे लोग, जल जाएंगे। टेंगू भाई आपको पता है जिसे जलना है उसको तो जलने दे, लेकिन स्क्रीन पे नजर आते हैं तो वैसे ही बहुत सारे जल जाते होंगे कि या बाप हमारी, खैर नहीं है। वैसे इस वजह से लोग जलेंगे क्योंकि लोग ये समझते हैं क्रिकेट तो हमने ज्यादा खेली, नाम हमने ज्यादा बनाया, टीवी चैनल पे आके इससे ज्यादा कोई सच कोई बोलता नहीं है, तो वो हैरान हो गए यार, ये लगता कोई ज्यादा ही अच्छा तारुफ करवा दे। टेंगू भाई पता ही क्या, बड़े नाम से कुछ नहीं हो, काम कौन क्या कर रहा है। रुमान रईस बड़ा काम कर रहे हैं ना, रुमान रईस आज इस कोरोना के दौर में मास्क लगा के सब जगह पे जा रहे हैं, रुमान रईस ने तो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेली लेकिन वो बड़ा काम कर रहे हैं और उसको हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं पेयर बनाने का सिलसिला चल रहा है, आपने पेयर नहीं बनाया वैसे किसी के साथ के मैं अगर माजी के खिलाड़ी में इसके साथ पेयर बनाता और यंग फास्ट बॉलर्स में इसके साथ पेयर बनाता, आपने क्यों नहीं बनाया? नसीम भाई आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल मैं आपको सुन रहा हूं तनवीर भाई। टेंगू भाई आपको आवाज आ रही है? हाँ जब आप बोल रहे थे बिल्कुल रुक गया था सब कुछ, कुछ भी नहीं चल रहा था अभी, मैं एकदम से रुक गया था। हाँ एकदम से रुक गया था।
तो नेट की प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी आपके वहां पे? नहीं, मेरी तरफ तो नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि रुक गया था, आप बिल्कुल रुक गए थे उस वक्त। हाँ बिल्कुल रुक गया था। अच्छा, इंट्रो तो हो गया था, वो मैंने आपने सुन लिया था ना इंट्रो? हाँ, इंट्रो सुन लिया। सवाल बल्कि चले मैं छोटा सा करके आ रहा हूँ, जल्दी से आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नसीम राजपूत अपने YouTube चैनल बोले राजपूत पर एक मरतबा फिर अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है। एक मरतबा फिर मुख्तलिफ चीज आपके लिए लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज हो के जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नसीहत भी हो जाए, कुछ बेहतरी भी हो जाए। फिक्सिंग की बातें तो बहुत हो रही है, फिक्सिंग की बातें हमारे मुल्क की बदनामी भी बहुत कर रही है, कोई फिक्सिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है इस पर बात जरूर करेंगे। ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, माशी मामलात उनके बड़े मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, वहां अगर हम देख लेते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर्स के प्लेयर बना रहा है, स्पिनर्स के प्लेयर बना रहा है। 1.25 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के एहसास प्रोग्राम में दे दिया उन्होंने, जो 1.25 करोड़ रुपया 5 लोग अपने घर लेके चले जाते हैं। अब बात करेंगे इस पर, कोई और नहीं, आप सबकी फ्रेंडली शख्सियत कोई और नहीं, पाकिस्तान का बड़ा नाम। मैं इसलिए कहता हूँ कि क्रिकेट तो जो उनके नसीब में थी उन्होंने खेली और डट कर और लड़कर खेली, लेकिन उसके बाद जो जिस महाज पर डटे हुए दिखाई देते वो महाज है कि इस मुल्क में बेहतरी क्रिकेट में किस तरह आए, खिलाड़ियों को हक किस तरह मिले, और इसी पर ज्यादा बात करते हुए दिखाई देते हैं। कोई और नहीं, पाकिस्तान के माहिर स्टैट्स ऑलराउंडर और इस वक्त अगर क्रिकेट एनालिस्ट की बात कर लेते हैं तो शायद टॉप पर दिखाई देते हैं, जिस अंदाज से वो सच और खुल के बोलते हैं, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम टैंगो भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे तारुफ तो यार आपने ऐसा करा दिया है कि बड़े बड़े जल जाते हैं फिर ये बातें सुन के कि ये कहां से पढ़ा। टैंगो भाई देखे, तारुफ तो आपका ऐसे ही डिजर्व करता है, लेकिन अब आप सिर्फ स्क्रीन पर आ जाते होंगे ना तो बहुत सारे लोग वैसे ही घबरा जाते होंगे, जल जाते होंगे कि भाई आप इसने आने और आके हम लोगों इतना इतना तो मुझे अल्लाह का शुक्र है जरूर पता है कि जिस जिसको पता चलता होगा ना किसी शो में आ रहा हो टीवी के सामने से हटेगा नहीं। ये बात तो है जो आपकी व्यूअरशिप है, क्योंकि आपने खुल के बात करनी है। तनवीर भाई आपने प्लेयर नहीं बनाया, मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरा कम से कम कि मैं फास्ट बॉलिंग का प्लेयर अगर फॉर्मर प्लेयर होता तो इनके साथ बनाता, करंट प्लेयर होता तो इनके साथ बनाता, सभी बना रहे हैं प्लेयर को। देखिये मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उस तरफ अगर ज्यादा हम ध्यान दें तो ज्यादा अच्छी बात होती है। पेयर वेयर को क्या करना है, जब हालात बेहतर हो जाएंगे, जब नॉर्मल जिंदगी चलने लग जाएगी, पेयर तो आप उस टाइम भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा नहीं ज्यादातर यही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब कुछ चीजें ऐसे करता है उसका सर ना पैर होता है, कुछ भी नहीं होता। जिस तरह ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट की हम बात करें वो शुरू कर दिया, फिर ऑनलाइन ये कुछ हमारे प्लेयर्स थे ये इन्होंने जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स थे उनको एक लेसन देना था ऑनलाइन वो शुरू कर दिया, फिर उसके बाद मीडिया के साथ बात की प्लेयर्स ने, ये चीजें शुरू करवा दी। ये मेरी समझ से बाहर है, मैं इन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब हर चीज का एक तरीकेकार होता है, टाइम होता है। आप मतलब यानी क्रिकेट हो नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रही, आप ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया, इन चीजों से ये पता चलता है कि आप बिला वजह लोगों को बताना चाह रहे देखे जी हम कितना काम कर रहे हैं। जब काम करना होता है, जब हर चीज नॉर्मल होती है उस टाइम अकेडमियां बंद होती हैं, उस टाइम ये लेसन बंद होते हैं, उस टाइम आपको एक्स क्रिकेटर कहीं नजर नहीं आएंगे। आप मुझे खुद बता दें ये ऑनलाइन के अंदर जितने भी क्रिकेटर आपके थे ये कभी नॉर्मल हालात में कभी नजर आए हैं, कभी लेसन देते हुए नजर आए हैं आपको? कभी भी नजर नहीं आए। तो ये बेवकूफ बनाने का एक तरीकेकार है। उसके बाद अब फिर शुरू हो गए जी पेयर बनाना, पेयर असल में शायद ये सोशल मीडिया में एक अपनी एक वैल्यू दिखाना चाहते हैं, देखिए जी हम कितना काम कर रहे हैं, हम बड़े प्लेयर के साथ एक ऐसे प्लेयर का पेयर बना रहे हैं कि मतलब यानी लोग देखें या जी कोई नई चीज शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में अगर कुछ प्लेयर्स को बोला भी जाता है कि आप पेयर्स बनवाएं तो शायद उनको खुद भी मना कर देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा भी नाम है, भाई बड़ा नाम है उसको एक रिक्वेस्ट करेंगे ना कि आप आके एक वीडियो बना दें, कुछ भी कर दें, आप अगर पाकिस्तान टीम का एक अच्छा फास्ट बॉलर है जो भी है, आप अपने साथ किसका किसको अपना पेयर बनाना चाहते हैं, तो उनको भी कम अज कम मना करना चाहिए। लेकिन वो भी क्या करें, शायद उनको भी क्रिकेट बोर्ड में आना होता है या क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात उनके हैं, इस वजह से वो ये चीजें मना नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरी नजर में अब मुझे नहीं पता लोगों की नजर में क्या, मेरी नजर में बिल्कुल फजूल सी होती है, उसकी टाइमिंग बिल्कुल आउट होती है। बिल्कुल, दैट्स इंपॉर्टेंट जो अभी आपने बात कही कि टाइमिंग बिल्कुल आउट है। इस वक्त टाइमिंग क्या है,
इस वक्त टाइमिंग ये है कि जो बंदा जो समझ सकता है कि मैं मुस्तहिक लोगों की, गरीब लोगों की, उनके घर पे राशन पहुंचा सकूं, जिस तरीके जो हालात चल रहे हैं उसमें आपके सामने बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं, अपने तौर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरफ मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजर नहीं आया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि देखे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद इदारा है जिसके ऊपर मेरे ख्याल क्रिकेट की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर हर एक छोटे छोटे बच्चे की भी नजर होती है इसके ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। हालांकि पाकिस्तान में और भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो भी बहुत काम करते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों की नजरें होती है कि ये, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप इस पोजीशन में भी आप गरीब लोगों के काम नहीं करोगे, मुस्तहिक चीजों लोगों के घरों पे राशन भी पहुंचाओगे, एक अपने तौर पे स्टार्ट कर दो ना कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये काम करने जा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें फिर लोगों को मजा भी आएगा कि वाकई क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे। लेकिन ऐसा और दूसरी बात ये कि मुझे ये भी पता चला है कि जिस तरह ये ग्राउंडमैन्स को हो गए, ये जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जिनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, उनको कुछ पैसे देंगे, तो वो जो पैसे दे रहे हैं उसको वो ईद का जो बोनस वगैरह देना है, वो तो मेरे ख्याल में वो तो कुछ भी नहीं है, उससे क्या होगा। एक ईद के बोनस से 15-20-25 हज़ार रुपए दे के किसी एक बंदे को, वो भी सुना कैटेगरी वाइज इन्होंने कोई रखा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा। वो भी ऐसा कैटेगरी है कि आप सोच नहीं सकते। नहीं, मैं बात ये कर रहा था बजाय के ये जो ऑनलाइन सेशन करा रहे हैं, अच्छी बात है, चलो ऑनलाइन सेशन करा रहे हो आप उन प्लेयर्स, टाइमिंग गलत है। अगर इस वक्त नहीं कराएंगे, देखिए मेरा मसला पता क्या है, मेरे से लोग क्यों खार खाते, मेरा मसला ये है, मैं सीधा सीधा कह देता हूँ टाइमिंग गलत है, इनके काम ही ठीक नहीं है। अगर आप मेरी जगह किसी और से पूछेंगे ना ये सवाल, वो पता क्या बोलेगा, मेरे ख्याल में इसमें शायद कोई बुरी बात नहीं है, कोरोना का सिस्टम ठीक है चल रहा अपना, लेकिन इस तरफ ये काम भी तो रहना चाहिए ना, ये अगर चल रहा है तो क्या हो गया। वो आप लोग मुझे, आपने इतनी क्रिकेट खेली, आप मुझे बताएं अगर जब कैंप प्रॉपर लग जाएगा और खिलाड़ी ग्राउंड में उतर जाएंगे तो मिसबाहुल हक होंगे वहां पे और वकार यूनुस होंगे, तो यूनुस खान का लेक्चर सुनवा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, या ये बर्दाश्त करेंगे मिसबाहुल हक या वकार यूनुस के वहां पर आके जो है वो शोएब अख्तर भी टिप दे रहे हो, ये सिर्फ वीडियो तक ही सही है। और अच्छा देखें ये जो आपने एक बात बोली कि क्या ये यूनुस खान को बर्दाश्त करेंगे, क्या ये शोएब अख्तर को बर्दाश्त करेंगे, या आप ही ने अभी बात बोली ना, बिल्कुल भाई उनको भी तो समझ होनी चाहिए कि हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम ऑनलाइन क्यों आ रहे हैं, हमें भी ऑनलाइन नहीं आना चाहिए ना। मुझे चीज बता दें, आ रही है आपको, बिल्कुल ये सारे अगर खुश हो रहे हैं, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं एक तरीके का आ रहा है जो हकीकत है मैं वो बयान कर रहा हूँ। अगर ये सारे खुश हो रहे हैं जी हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहते हैं उसको बुलाया, हमें सब आके ऑनलाइन सेशन दे, तो इन प्लेयर्स को फिर ग्राउंड में भी तो बुलाओ जो आपने बात की, तब मजा आएगा ना। ऑनलाइन में आप क्या बॉलिंग सिखा देंगे, ऑनलाइन क्या बैटिंग करना सिखा देंगे, आप तो पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, क्या कोच और उस वक्त बॉलिंग कोच बर्दाश्त करेंगे, ये नहीं कभी भी नहीं करते थे ना, करते हमारे होते हुए ये क्या करेंगे फिर, हमें क्यों रखा हुआ है यार। देखे मैंने तो दो दफा तो अपनी आंखों से देखा और सुना भी कि हमारे जो बॉलिंग कोच है ये कोच है, उनको तो पसंद ही नहीं था कि हमारे प्लेयर्स किसी से पूछे जाके, ये तो हाल था हमारे लोगों का, तो पाकिस्तान के प्लेयरों को वैसे ही कोई आपस में बर्दाश्त नहीं करता, तो कहां से क्या बोलते हैं वो बर्दाश्त करेंगे जी यूनुस खान ग्राउंड में एनसीए में आके बता दे या कोई आके बता दे। हाँ, जावेद भाई की मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि जावेद भाई जाहिर सी बात है अब जो भी है, अब हम उनको इतना ज्यादा ट्रेवलिंग इधर उधर तो नहीं करवा सकते, अगर आप जावेद भाई से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं ऑनलाइन, तो मेरे ख्याल में जावेद भाई ऐसे बंदे थे कि आपने उनको अगर ऑनलाइन लिया है तो उनसे ज्यादा अगर आप फायदा, बाकी तो आप उसको कहीं भी ट्रेवल करवा सकते हैं, कहीं भी बुला सकते हैं, किसी भी कोने में बुला सकते हैं। मैं जावेद भाई के बारे में ये नहीं कह रहा कि वो नहीं जा सकते कहीं भी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक उम्र होती है, शायद बंदा थोड़ा सा थक जाता है, ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता, तो जावेद भाई से अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो मुझे समझ भी आती है,
कि वो ऑनलाइन भी मुख्तलिफ है, एक्सपीरियंस भी मुख्तलिफ है, जनरेशन गैप और क्या, एक बड़ा जनरेशन गैप है कि उस वक्त की क्रिकेट को वो कैसे हैंडल किया करते थे भाई। अभी यूनुस खान ये तो अभी के क्रिकेटर्स के साथ ही है ना, तकरीबन चंद सालों पहले की बात, जाहिर सी बात है, कहने का मकसद है तो वो एक दौर को बताते क्या उस दौर में क्या होता था, लेकिन इस दौर में ये हो क्या रहा है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो बटलर अपनी जर्सी ले आते हैं वर्ल्ड कप की, अजहर अली का मुझे अच्छा लगा, लेकिन शाहिद खान अफरीदी की बात करें, रोमान रईस की बात करें और कई सारे क्रिकेटर्स ऐसे, एहसानुल हक टेनिस प्लेयर की आज तस्वीर लगी हुई थी कि वो भी राशन लेके जा रहे थे, बांट रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि गरीबों की को जितना ज्यादा हो सके फीड कर सके, वो परेशान ना हो। इस वक्त रोज कमाने वाले सड़क पे भी नहीं आ सकते कमाने के लिए। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऑनलाइन ही काम करना था कि बजाय इसके कि जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये, इसकी जगह पे अगर ये कर लेते यार, शोएब अख्तर अपनी एक जर्सी हमें दो जिसमें तुमने चार आउट किए थे, पांच आउट किए थे, वकार यूनुस आप दो, वसीम अकरम आप दो, तंगीर आप दो, मुईन खान आप दो, राशिद लतीफ आप दो, इंजमाम आप दो, जितने बड़े प्लेयर्स के भाई आप लेकर आए, बाबर आजम आप अपनी जर्सी लेकर आओ, सरफराज आप अपनी जर्सी लेकर आओ, जो करंट प्लेयर्स हैं जर्सी लेके आते हैं, उनका खेला हुआ बैट लेके आते हैं, और उसके बाद अपने उस प्लेटफॉर्म से के जहां पर बैठ के ये अनशन, मैं तो यही कहूंगा ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई बॉलर का प्लेयर बना लो और स्पिनर का प्लेयर बना लो, और वो दिलाजारी नहीं कर रहे हैं दूसरों की, इसमें भी हम आगे आते हैं। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि आप कोरोना से जो लोग इस वक्त मुश्किल का शिकार है, आप ऑक्शन करते अपने प्लेटफॉर्म से करते, सारी दुनिया में वसीम खान साहब को आप 26 लाख रुपए दे रहे हैं, वो इंग्लैंड में अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, एहसान मानी साहब वहां असर रसूख इस्तेमाल करते, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि हम अपने इस गरीब मुल्क के अंदर गरीब आवाम की कहीं ना कहीं कुछ खिदमत कर लेते। देखें आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आइडिया कोई समझने वाला वहां बैठा हुआ हो तो कोई समझ भी आएगी ना। अब ये आइडिया आपने सोच, दिमाग इस्तेमाल होता है ना भाई, कोई आइडिया सोचने के लिए आपके पास दिमाग इस्तेमाल होता है, उसके लिए लोग होते हैं, अगर लोग नहीं है तो फिर आप आइडिया कैसे सोच सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कोरोना का सिस्टम इस टाइम चल रहा है उस हिसाब से अगर आप ये काम करते हैं, और आपने जिन प्लेयर्स की लिस्ट के नाम बताई है, मेरा नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी कामों के बीच में आप ना लाया करें। उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे पता है ना, वो नाम भी सुनना पसंद नहीं करते तो शर्ट कहाँ से मंगवाएंगे, इस वजह से मैं अपने मुंह से ही कह देता हूँ कि भाई मेरा नाम जरा साइड में रखे। देखिए उसमें बात ये है कि ये काम बहुत अच्छा था कि आप ऑक्शन के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स का आप उनकी शर्ट्स मंगवा लेते, ऑक्शन पे लगा लेते। आप देखे किसी जो क्रिकेट का फैन है, कोई भी बच्चा है या बड़ा जो भी है, उसके पास वो शर्ट भी चली जाती, वो फिर अपनी उससे फिर पैसे भी आने लग जाते शर्ट्स आपकी जब ऑक्शन में जाती। तो ये चीजें, बहुत सी चीजें हैं, आपके शर्ट्स हैं, आपकी कैप है, आपकी जंपर्स हैं, आपके ट्रैक सूट आ जाते हैं, आपका बैट आ जाता है, आपका बॉल आ जाता है। अब जिस तरह मेरे पास एक बॉल पड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका के आउट किए थे, उस बॉल के ऊपर मैंने सब लिखा हुआ कि साउथ अफ्रीका के मैंने 6 आउट किए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह और जो प्लेयर्स हैं, जितने बड़े प्लेयर्स भी हैं, इनके पास भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी कि जिस बॉल के ऊपर या बैट के ऊपर सिग्नेचर होंगे किसी के भी होंगे। तो ये चीजें आप अब जिस तरह मुझे हमें स्मिथ ने, ग्रैम स्मिथ ने, जब मैं साउथ अफ्रीका गया था 2013 में, उसका 100वां टेस्ट मैच था, तो उसने हमें एक बैट दिया था पूरी टीम को, छोटा सा बैट था, वो टाई भी थी, उसके ऊपर उसके सिग्नेचर्स थे, उसका 100 टेस्ट का लिखा हुआ था। तो मतलब ये चीजें आपके पास बहुत सी होती हैं, तो आप ये चीजें भी लोगों को बताएंगे तो लोग उसको लेंगे, तो तरीकेकार बहुत है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं कोई देखिए रुमान रईस की, मैं रुमान की बात करता हूँ, मैंने भी उसके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शो किया है, रुमान के साथ भी मैंने स्पेशली इसीलिए किया था, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि वो बंदा जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब यानी लोग आपको पता ना यहाँ शक्ल सूरत को बहुत देखते हैं, नाम को बहुत देखते हैं, ये नहीं देखते कि छोटा नाम है या काम क्या कर रहा है, ये कोई नहीं देखता। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये सोचना समझना चाहिए कि चाहे जिस किस्म का भी बंदा, छोटा क्रिकेटर है, बड़ा क्रिकेटर है, क्रिकेटर है भी है या नहीं है, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है आप उसको सपोर्ट कर रहे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि रुमान रईस जिस तरीके से काम कर रहा है, उम्मीद है मुझे जितनी मेहनत से कर रहा है वो, अल्लाह करे वो आगे चल के और कामयाब हो।
मैंने जब शो किया था तो मेरे शो भी आए थे, उन्होंने ऑक्शन किया था तो नदीम उमर भाई आए थे, उन्होंने बैट भी खरीदा 5 लाख रुपए का और वो बैट वापस किया कि पैसे तुम्हें मैं दे दूंगा। उन्होंने चेक भी भिजवा दिया, फिर हमने अपने प्रोग्राम में उनको चेक भी दिया था, आया था, उन्होंने कहा ये बैट दोबारा ऑक्शन करो। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद है, बात एक सोचने की है, तो यानी कि इतना नहीं सोच सकते, असल में इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। वसीम खान साहब को देखे, एक चीज बताऊं मैं आपको, देखे एक चीज बताऊं नसीम भाई, शायद मैं बातें बहुत सख्त किसी टाइम कर जाता हूँ या इसी वजह से लोगों को पसंद नहीं हूँ। देखिए आप एक चीज नोट करना, हमेशा एक चीज नोट करना, ज्यादातर लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं या उन लोगों की साइड लेते हैं जिनसे उनके रिलेशन होते हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी को जानते नहीं है तो आप जाके उसकी हेल्प कर देंगे। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जहां पे आप अपनी चीजों को, अपनी लोगों को सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज काम आप ऐसे करते हैं जिसमें हमारा फायदा हो, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज ये लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कभी किसी ने किसी गरीब क्रिकेटर का काम किया? जिन चीजों से इनके नाम बने, जिन चीजों से इन्होंने कमाया, जो लोग क्रिकेट को चलाते हैं, कभी इन्होंने किसी गरीब बच्चे का काम किया? किसी गरीब बच्चे को पूरा क्रिकेट का सामान लेके दिए? अगर लेके दिए तो हमें बताओ, आओ स्क्रीन पे बताओ, आके आओ मीडिया में आके बताओ, ये देखो गरीब, ये गरीब बच्चे हैं, हमने इसको क्रिकेट का शौक था, हमने इसको सामान दिलाया, हमने सब कुछ किया, जिस तरह और दूसरे काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो क्रिकेट में क्यों नहीं, क्रिकेट में क्यों नहीं कोई करता? मुझे समझ नहीं आती क्यों वहां अपनी तरफ से पैसा लगाना पड़ेगा, वहां से पैसा आएगा नहीं ना, जहां से पैसा आएगा वहां पे आप लोगों का काम करोगे, जहां से पैसा नहीं आएगा वहां आप किसी को भी नहीं करोगे। मुझे इस चीज का बहुत दुख है। वाकई में जो इनको यूटिलाइजेशन करनी चाहिए थी, मैं आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था तनवीर के, आप मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि मैं बॉलिंग का पेयर बना लो, आप बताए जी, अब आप देखें फास्ट बॉलिंग का पेयर बनाया जी, अच्छा ये पेयर मिसाल के तौर पे उसमें कहा जी वसीम अकरम और वकार यूनुस का पेयर जो है वो सबसे वो पेयर बना के ना, वो पेयर बना के एक दीवार पे लगा दो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या काम किया। मैं यही कह रहा हूँ, अब आप देखो कि स्पिनर का पेयर बना, उसके अंदर बताया जी सबसे पॉपुलर पेयर बना अब्दुल कादर साहब का और सकलैंड मुश्ताक का, अभी सईद अजमल भी बॉलर थे, इकबाल कासिम भी बड़े स्पिनर थे, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। इसका मकसद है कि आप उनकी दिल आजारी कर रहे हो, आप बात है दो को पॉपुलर करार दे रहे हो तो बाकियों की दिल आजारी कर रहे हो यार, तुम सोच सको और क्या कर लो, यानी कि आपने उनकी खिदमत पे कुछ भी नहीं, यानी आवाम ये भाई पार्टनरशिप किसकी बड़ी थी, पार्टनरशिप थी जी यूनुस और यूसुफ की, भाई तो वो जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, क्योंकि मौजूदा जनरेशन ने तो उन्हें देखा ही नहीं, जो इसमें तो कहां से बोलेंगे, पार्टिसिपेट कर रही है उन्होंने देखा ही नहीं है कि वो कितने बड़े प्लेयर थे। अब आपने छोटा कर दिया, आपने यूनुस और यूसुफ को बड़ा कर दिया और जावेद मियादाद और जहीर अब्बास को छोटा कर दिया, आपको इतना सेंस नहीं है कि आपने करा किया, सेंस होता तो काम नहीं सही कर रहे होते। भाई यार यही मैं आपसे जानना चाहता था, कोई एक जाते जाते एक छोटा सा इनको पैगाम दे दो कि करें तो करें क्या, कम से कम कोई, ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरह की चीजें करने के बाद, ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं यार, जो लोग आदमी सवा करोड़ रुपए, जो लोग पीएसएल का शेड्यूल सही तरीके से नहीं बना सके वो काम क्या करेंगे। क्वेटा ग्लेडिएटर अगले पीएसएल तक रोता रहेगा कि यार हमें ट्रैवलिंग इतनी करवाई, इस वजह से हम हार गए। नो सेंस यार, आपने कलंदर्स को 8 मैच दे दिए, 6 मैच दे दिए अपने शहर के अंदर, अपने ग्राउंड के अंदर। भाई कमेटी थी ना, कमेटी अपनी कमेटी होती, फायदा होता ना भाई, जिस तरह हम टेप बॉल में खेलते थे, कमेटी की टीम डली होती थी, कमेटी जीतेगी, फाइनल में ही पहुंचेगी कमेटी, ठीक है। जब कमेटी की टीम हारने लगेगी या कोई मसला होगा तो शेड्यूल चेंज हो जाता था या टूर्नामेंट रुक जाता था या आगे चला जाता था, ये सब सारे काम करते थे, उन्हें ट्रॉफी नहीं देते थे, और ट्रॉफी दे दे पूरा फाइनल ही नहीं होगा जो तरसी में। आप बड़े खुश हो गए, आप बड़े खुश हो गए, मैंने बड़ी गहरी बात कर दिया ना, समझ गया बात जो आप कह रहे थे, आप हल्की बात तो करते रहिए, लेकिन अब भी वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर ये बजाय इसके जो ये बाकी चीजें कर रहे हैं, अगर ये ऑप्शन कर ले
तनवीर आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर? नहीं, बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी, करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा काम तो करना चाहिए था ना भाई। जो लोग जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो अपनी जेब से मुस्तहक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपके पास तो माशाल्लाह इतना कुछ है, वैसे भी आपने इतने मेरी नजर में फजूल से पैसे फेंके हुए लोगों के ऊपर जिनको इतने देने नहीं चाहिए था, आप उन लोगों को दिए जा रहे हो। अब वो दूसरी बात ये जो आपने एक बात बोली कि सैलरीज इतनी ज्यादा दे रहे हैं उसको कम करना चाहिए था। चले यार, आप सैलरी नहीं कम कर रहे, इन्हीं 2-3 महीने 4 महीने के अंदर जो कोरोना की वजह से जो लोग प्रॉब्लम थे वही लोगों की सैलरियां कम करके वही पैसे उन्हीं मुस्तहिक लोगों को दे देते इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर, तो कितने लोगों का काम हो जाता। आपके शो में बात हुई थी ना, वल्ला आलम है, पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, कट तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट करना चाहिए था, जो करने वाला काम है वो जरूर होना चाहिए था। वैसे भोले राजपूत के कुछ प्रोग्राम देखे आपने? लेकिन वैसे एक चीज था, देखे मैंने, वैसे एक चीज है ये परेशानी वो देखता है जो बिल्कुल नीचे से आता है, ये तो सब ऊपर, ये परेशानी ये सब जब सब ऊपर से आएंगे तो नीचे से जो परेशानी होगी उन्होंने देखी थोड़ी है। पैराशूट के थ्रू उतरते और पैराशूट के थ्रू गायब हो जाते हैं, फिर यही होता है और कुछ भी नहीं होता। और क्या, आपने जो हम मेरिट की बात करते हैं ना, मेरिट की बात करते हैं वो मेरिट का मतलब यही होता है कि नीचे से आया हुआ ये बंदा। बिल्कुल सही बात है, और जो ग्रास रूट को देखकर आता है ना, ये बात है जावेद भाई कैसे थे, जावेद भाई ने कहा और जिसके और जो और जब हम पर्ची बोलते हैं तो इसका मतलब ऊपर से आया। ग्रास रूट का पता होना भी बहुत जरूरी होता है। अभी थोड़े हमारे चैनल बहुत जरूरी है, भोले राजपूत अभी नया नया हमने चैनल शुरू किया है, कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए कोई पैगाम तो दे यार। आपका चैनल मैंने देखा है, आपके प्रोग्राम देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पेशली जो आजकल जो फिक्सिंग का सिलसिला शुरू हुआ है उसके लिए आप काफी लगता है मेहनत कर रहे हैं और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बात सामने आए जिसकी वजह से ये इतना कुछ दोबारा फटे शुरू हो गए। मैं लोगों को कहता हूँ कि नसीम भाई का जो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भोले राजपूत के नाम से जो बनाया, आपको भी बहुत कुछ यहाँ पे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, एंजॉय करेंगे। सब्सक्राइब करें इनको चैनल को और बेल आइकॉन को जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिस तरीके से आपको मेरा चैनल देखने का बहुत मजा आता है इस तरह इनका भी चैनल बहुत मजा आएगा देखने। और जिन शख्सियत ने ये बेल आइकॉन बजाने की बात की है, ये अक्सर घंटे बजा रहे होते हैं सबके अगर बात करें। थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भोले राजपूत के मेहमान बने, और आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। और आप अभी हम एक प्लेयर है हमारा भी क्या आता हूँ रहमान साहब के साथ में मधु करूंगा कि तनवीर भाई आप भी आइएगा शो के अंदर, तो एक बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह उस शो को करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन तनवीर भाई, और तमाम व्यूअर्स इजाजत चाहूंगा, आप सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो तनवीर भाई के थ्रू हमने पहुंचा दिया, अल्लाह करे कि वो इस पे अमल कर ले। जल्द मिल रहे हैं आपसे, फिर जल्द अल्लाह के बाद।